स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज संडे और आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। अपनी नहीं बोल सकता क्योंकि ये खिनू और अज्जू की गाड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने विजिट किया था कांगड़ा किले में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं नेर चौक की तरफ। आज मौसम काफ़ी साफ है, अभी सुबह के 9 नहीं बजे हैं और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप यहाँ पे लग गई है। तो गाड़ी की जो कुल रनिंग है वो ही है 2212 किलोमीटर, और जब इसको ऑन भी कर रहे हैं तो ये अपने आप ही बता रही है दैट इज़ सर्विस ड्यू। देखना अभी यहाँ पर मेंशन होगा सर्विस ड्यू। तो देखिए अभी मैंने कल इसके जो एवरेज वाला पॉइंट है उसको सेट किया था, तो ये जो दे रही है वो 12.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। और जो ट्रिप था मेरा, क्योंकि मैंने कल इसको सेट किया, वो 42 किलोमीटर हुआ था, लेकिन टोटल किलोमीटर्स जो हैं वो 2212 किलोमीटर हो गए। तो थोड़ी गाड़ी गंदी भी है, मैंने थोड़ा साफ इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि आज सर्विस करवानी है, तो वहाँ पर इसकी अच्छे से वॉशिंग करवाएंगे। तो चलते हैं अभी नेर चौक के लिए और बताते हैं आपको कि कैसी रही इसकी सर्विस। तो सनरूप से लेते हैं हम एक व्यू घर का। फ्रेंड्स फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं नेर चौक के पास। सामने आपको दिख सकता है मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर मीनू का रिकॉर्ड, और मैं भगा रहा हूँ इस टाइम नेक्सॉन को 6 गियर। तो 6 गियर में देखिए अभी जो स्पीड है वो 60 के आसपास है, बट ये क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भीड़ है तो मुझे कम करना पड़ेगा। अभी मैं 5th गियर में हूँ। क्या कराना था? सर्विस करानी है। किलोमीटर क्या है? तो सामने खड़ी है 29D2002। तो यहाँ पर हो रहा है गाड़ी का पूरा चेकअप और इसके बाद जाएंगे हम टेस्ट ड्राइव पे और देखेंगे कि क्या इसमें जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो सच में प्रॉब्लम है या मुझे जस्ट फील हो रहा था। तो ये हमारे बल के खेत, तो फाइनली यहाँ पर चली है कार की वॉशिंग। तो सर्विस में ज़्यादा कुछ था नहीं, सर्विस इसके बिल्कुल फ्री हुई, जीरो कॉस्ट सर्विस में इसको बोल सकता हूँ। वैसे तो ब्रेजा की भी जो सेकंड सर्विस थी वो फ्री थी, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ फ्यूल वगैरह डाल के कुछ अराउंड 1500 to 2000 का चार्जेस बना दिया था। और मैंने सेकंड सर्विस में चेंज वैसे अपनी गाड़ी के ब्रेक लेदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, अराउंड 2000 किलोमीटर अभी गाड़ी चली है। इसके बाद यहाँ पर हो रही है वॉशिंग, अब देख सकते हैं वॉशिंग के बाद जो वाइट कलर है उसकी जो शाइनिंग है वो कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर गाड़ी की पूरी क्लीनिंग होने के बाद अब गाड़ी जा रही है वापस अंदर। तो ये रहा टोटल अमाउंट सर्विस का, 0। आफ्टर सर्विस टाटा नेक्सॉन। चलते हैं अब घर की तरफ। गाड़ी की सर्विस करवाने के बाद अभी हम आ गए हैं 4 लेन की तरफ, और यहाँ पर देखिए कैसा नज़ारा है। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम आने ही वाला है तो यहाँ काफ़ी गर्मी है। ये वही नेशनल हाईवे है जो कि पार्ट है चंडीगढ़ टू मनाली नेशनल हाईवे का, और ये वाला पार्ट इस नेशनल हाईवे का 2-3 साल पहले ही बन चुका है।
अभी अभी मेरा और मीनू का प्लान बना है मंडी शिवरात्रि मेला घूमने का, क्योंकि आज संडे है और कोई काम भी नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा मेले में जाके हैं और देखते हैं क्या क्या है मेले में। तो यहाँ पर मैं और मीनू हम दोनों चल पड़े हैं मंडी की तरफ, और अभी हम भारती को कॉल कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि हम मेले में जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है उसका रिस्पॉन्स। चलिए ऐसे मंडी चलो, चलना चलना। तो देखो भारती का रिस्पांस कैसे आ रहा है। हमने भी जाना नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। जाओ आप, अच्छी अच्छी चीजें ले आना। ठीक है, आपके लिए तो लाना कुछ। ओके, झूले वाला ब्लॉग आएगा आज। ठीक है, आज हम झूले वाला ब्लॉग डालेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके। पहुंच गए मंडी और यहाँ पर हम गाड़ी को लगा रहे हैं पार्किंग में। ये जो पार्किंग है ये बस स्टैंड के ठीक ऊपर है, और इस तरफ सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बन रहा है, यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसकी बिल्डिंग है, और सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये है कॉलेज की बिल्डिंग, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी गाड़ी कर लेते हैं पार्क और फिर चलते हैं मेले में। तो यहाँ पर देखिए आप शिवरात्रि मंडी फेयर, तो जो पूरा ग्राउंड आपको नीचे दिख रहा है ये पड्डल का ग्राउंड है, और यहाँ पर लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि फेयर। अभी हमने एंटर कर लिया है मंडी कॉलेज में। आप देखिए यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के बारे में यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो बच्चा इसकी छांव में ज़्यादा बैठता है वो पास नहीं होता है। कुछ नहीं है, हम ऐसे लेंगे। तो भी हम यहाँ पे एंटर हुए हैं एक डोम में, तो फाइनली अभी हम रुके हैं यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए। जब छोटे थे तो हम बोलते थे इसको सॉफ्टी, तो अभी हम खा रहे हैं सॉफ्टी। और मेले में ना बहुत ज़्यादा रश है, तो क्योंकि मेला ख़त्म होने वाला है और आज संडे है, और ये आ गई हमारी आइसक्रीम। फाइनली मेले में विजिट करने के बाद हम चल पड़े हैं वापस घर, और मेले में हम अराउंड 1 से 2 घंटा घूमे, और क्योंकि आज संडे है और मेला ख़त्म होने वाला है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने और मीनू ने अपने लिए एक एक लोअर ली और आइसक्रीम खा के हम आगे वापस। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, गाड़ी निकालते हैं और मिलते हैं आपसे आगे घर में। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर और गाड़ी को खड़ी कर दिया हमने पार्किंग में। तो यहाँ पर देखिए सामने बैठे हैं पापा जी, और यहाँ पर बैठी है हमारी धर्मपत्नी जो कि अभी अपना फेस छुपा रही है। अरे चिज्जी लाई आपके लिए। क्या चीजी? ये लाया है आपके लिए फ्रूट्स। तो देखिए यहाँ पे गाड़ी की वॉशिंग करवाई, लेकिन क्योंकि हम कच्चे रोड से आए तो फिर से गाड़ी के हाल वही हो गए। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।